हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे आई एम अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज बिहार। आई एम गोना टीच यू क्लासिक्स साइंस चैप्टर नंबर 4। सो टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज शॉरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। सो इसका मतलब है कि कोई भी मटेरियल को हम शॉर्ट करते हैं, मतलब कि हम लोग उसको प्रॉपरली अमाउंट में रखते हैं हर जगह के ग्रुप बना के, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग अभी घर पे बुक शेड पे अपने बुक को रखते होंगे अच्छे से, मम्मा आपके मम्मी लोग किचन में यूटेंसिल्स को प्रॉपरली अच्छे से रखती होगी जहाँ पे जिस जगह को रहना चाहिए। अगर आपके रूम में डाइनिंग ड्रॉइंग हॉल होगा तो यू विल सी कि वहाँ पे सोफा टीवी चेयर्स एंड ऑल प्रॉपरली शटल्ड होंगे, शॉर्टेड जगह पे रखे होंगे, ठीक है। अगर आपने डाइनिंग रूम में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे जिस जहाँ बैठ के आप लोग खाना खाते हो, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, वहां पे डाइनिंग टेबल रहेगा, ठीक है, वाटर ग्लासेस एंड ऑल सब कुछ रहेगा। तो एक प्रॉपरली शॉर्टिंग टाइप का, मतलब हर चीज को एक शॉर्ट करके ताकि इसका कहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, मतलब मटेरियल को शॉर्ट करके उसके हर एक ग्रुप में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे और इस चैप्टर का मतलब भी यही है। तो चलो हम लोग आज देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर इज गिवन बिलो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, द सेकेंड टॉपिक इज मटेरियल एंड देयर टाइप्स, द थर्ड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस, hardness, solubility, flotations, and the last topic is transparency. So, let's start the first topic, that is objects around us. So, object around us. Object around us are all kind of object and that identify them is important. जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं वी आर लाइक, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस, अराउंड यू, और इफ यू इमीडिएटली लुकिंग अराउंड यू, अगर हम चारों तरफ अपने देखने लगे, सपोज इफ यू विल एबल टू सी दैट देयर इज एटलीस्ट अ ह्यूज लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है। सो इफ यू विल गो टू अ ड्रॉइंग रूम यू विल एबल टू सी टेलीविजन, सोफा सेट, बुक्स, चेयर, टेबल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इफ यू विल गो टू योर किचन यू विल एबल टू सी यूटेंसिल्स, गैस सिलेंडर एंड मैनी मोर थिंग, ओके। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एक्चुअली देयर ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस, ठीक है। सो डोर्स, फैंस, चेयर, टेलीफोन, सोफा, बेल, यूटेंसिल्स, टेबल, चेयर, की, वॉच एक्सेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यू ऑब्जेक्ट विच वी सी अराउंड अस और इन द डायग्राम यू कैन सी, ओके। सो ऑल दिस डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय सम प्रॉपर्टी, ये सब जो है एक दूसरे से डिफर है किसी प्रॉपर्टीज से, ठीक है। मतलब कि मटेरियल जो होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट बनते हैं किसी मटेरियल से, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो एक ही मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं बनने में, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, उसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की तरह हम लोग बना सकते हैं। सम आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर, साइज एंड मटेरियल्स, कुछ जो होते हैं डिफरेंट शेप्स उनका अलग होता है, किन्हीं का साइज अलग होता है, किन्हीं का कलर अलग होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्ट रिफर्स टू समथिंग दैट कैन बी सीन और फेल। हाँ, वट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रिफर टू समथिंग दैट कैन बी सीन और फेल्ड। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका मतलब कि ऐसा चीज जो हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग फेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग महसूस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड? सो माई क्वेश्चन इज, हैव यू एवर थॉट व्हाट आर दिस ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ? कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि वो जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो किससे बनते हैं? So, if you see, they find out the compositions of each object, you will see that every object is made up of some other materials, ठीक है? I mean to say that not only one material, many material, or we can say that the group of material is required to form one object, ठीक है?
इसका मतलब है, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि हम जो भी आसपास अपने ऑब्जेक्ट देखते हैं सराउंडिंग में, ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन होता है, जो ऑब्जेक्ट जिससे बनता है, जो ऑब्जेक्ट मेड होता है, वो सिर्फ एक मटेरियल से नहीं होता है, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मटेरियल मिलके वो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है. सो द नेक्स्ट इज मटेरियल रिफर टू द ऑब्जेक्ट टू विच अ थिंग इज मेड. मटेरियल क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो मैटर रिक्वायर होता है उस ऑब्जेक्ट या उस थिंग को बनाने के लिए, ठीक है. सो चलो एग्जाम्पल लेते हैं. इफ यू टॉक अबाउट यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स आर द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक्स एंड पेपर, ठीक है. सो द हेयर द यूटेंसिल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ग्लास, प्लास्टिक्स, पेपर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मटेरियल, ठीक है. यूटेंसिल्स बहुत तरह के होते हैं. अगर हम यूटेंसिल्स में ग्लास की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, तो वो जो होता है शीशा के ग्लास भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, पेपर का भी होता है, तो वो सब क्या है, मटेरियल है, ठीक है. एनी मटेरियल कैन फॉर्म कैन ऑल्सो फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. कोई भी मटेरियल जो होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट को फॉर्म करता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट के ऑब्जेक्ट को बना सकता है, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वील सी दैट अ सब्सटेंस विच इज यूज इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल. ऐसा सब्सटेंस जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने में लगता है उसको बोलते हैं मटेरियल, ठीक है. मटेरियल क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है. मटेरियल क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है. जैसे कि पहले एग्जाम्पल से मैंने बताया था यूटेंसिल्स का, वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है. जैसे कि आप बच्चे टॉयज से खेलते हैं, तो वो बहुत बहुत तरह के प्लास्टिक के टॉयज भी होते हैं, पेपर्स के भी होते हैं, तो बहुत तरह के होते हैं. तो वो जो बहुत तरह होता है दैट इज मटेरियल, और जो ऑब्जेक्ट जिससे बनता है दैट इज जो जिससे बनता है वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो अब हम लोग देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल. मटेरियल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड मटेरियल, ठीक है. सो नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल क्या होता है ना, अ मटेरियल ऑकर इन नेचर इट्स कॉल्ड नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल. मतलब कि जो भी मटेरियल या जो भी हम लोग को नेचर से मिलता है, और इन हिंदी और इन समथिंग इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट प्राकृतिक देन, ठीक है. सो नेचुरल मीन्स एनी थिंग दैट इज नेचुरल और दैट एग्जिस्ट इन नेचर. सो वी डोंट क्रिएट इट, इट्स कॉल्ड नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल. सो और इन इन द क्लास एज वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर 3, नेचुरल फाइबर है ना, एंड सिंथेटिक फाइबर, यू कैन रिकॉल इट. और आप वीडियोज में पहले जाके देख भी सकते हैं कि मैंने बताया था नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में, कि ये क्या होते हैं ना, नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं, जो हम लोग उसको बनाते नहीं है, ये प्राकृतिक देन है, हम लोग को नेचुरली मिलता है, ठीक है. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, सो द एग्जांपल इज कॉटन, जूट, ऊल, सैंड, मर्ड एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीरियल. सो कॉटन क्या होता है, कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हम लोग जानते हैं कॉटन प्लांट्स से आता है, जो कि फ्रूट्स ऑफ कॉटन बॉल के अंदर कॉटन रहता है, बहुत स्नो टाइप का दिखता है वो, स्नो टाइप का स्ट्रक्चर आप ऊपर में यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट रहता है, ठीक है. जूट क्या है, जूट भी एक नेचुरल फाइबर है, जो कि हम लोग कहाँ से मिलता है, ऑप्टन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द जूट प्लांट, ठीक है. बेसिकली जूट से क्या बनता है, जैसे कि जूट बैग्स बनते हैं, गनी बैग्स एंड वगैरह बहुत कुछ बनता है, ठीक है. उलन, उलन उल कहाँ से मिलता है, कम्स फ्रॉम शीप्स, ठीक है. सैंड, मिट्टी, मर्ड एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड सीरियल्स, तो ये सब किससे में आता है, आता है ये लोग नेचुरल ऑकरिंग सब्सटा मटेरियल. सो द नेक्स्ट इज मैन मेड, ठीक है. अब मैन मेड क्या होता है, अ मैन मेड आर द मटेरियल विच आर मेड बाई मैन. मैन मेड मटेरियल क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं, बाई कॉम्बाइनिंग टू और मोर मटेरियल, दो या उससे ज्यादा मटेरियल को मिला के जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन मेड. और हम लोग जानते हैं कि मैन मेड क्या होता है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता, दे डोंट एग्जिस्ट इन नेचर, सो वी मेक देम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैन मेड. और वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल, ठीक है. सो वॉट आर द एग्जाम्पल्स, ग्लास, प्लास्टिक, नाइलोन. एज इन द डायग्राम यू कैन सी दैट हेयर इज अ ग्लास एंड देयर इज अ प्लास्टिक, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैन मेड मटेरियल, ठीक है. सो